हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू सॉल्यूशन इजर चैनल। एंड फ्रेंड्स, मैं हूँ सूरज। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या सच में इलेक्ट्रॉनियम का हार्ड फोर्क होने वाला है, और फिर इलेक्ट्रॉनियम का क्या फ्यूचर है, और फिर इलेक्ट्रॉनियम के कौन से ऐसे वजह है जिससे प्राइस बहुत ही डाउन हो गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉनियम का आर्टिकल जो कि ब्लॉकचेन अपडेट ऑन May 13 एंड डाइवर्जेंस फ्रॉम मुनेरो। सो गाइज, हम लोग सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रॉनियम जो वर्क करता है एक्चुअली मुनेरो को कोड बेस के ऊपर ही वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे पूरा आर्टिकल के बारे में मैं आपको सभी बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या सच में इट्स अ वर्थ कॉइन टू बाय एंड होल्ड। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ बिग अनाउंसमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनियम। सो यहाँ पे देख सकते हो सब SK माइनर्स एंड ऑल, यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रॉनियम ब्लॉकचेन अपडेट ऑन May 13। हम सभी को मालूम है कि मुनेरो का जो कोडबेस है वो इलेक्ट्रॉनियम यूज कर रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एवरी 6 मंथ्स पे इलेक्ट्रॉनियम की जो टीम है वो करेंगी ब्लॉकचेन को अपडेट। और फिर यहाँ पे देख सकते हो एस वी नो दैट, और फिर ब्लॉक नंबर 307500, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10:30 AM। सो यहाँ पे देख सकते हो अभी तो फॉक चल रहा है 262475। सो अभी बहुत ब्लॉक्स बनने बाकी है। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो डोंट पैनिक फॉर्किंग एक्सप्लेट। सो यहाँ पे जैसे कि बिटकॉइन का फॉर्क हुआ था, बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन गोल्ड, वैसे ही इलेक्ट्रॉनियम का फॉर्क ना ही टू करेंसीज में होने वाला है। यहाँ पे देख, इलेक्ट्रॉनियम विल कंटिन्यू विथ एन अपडेट ब्लॉकचेन। सो वर्जन फ्रॉम मुनेरो, इन शॉर्ट मुनेरो इज द बेस्ट प्राइवेसी कॉइन इन द वर्ल्ड, वेयर वी नीड टू द बेस्ट माइक्रो पेमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड। सो इलेक्ट्रॉनियम का गोल ही ऐसा है कि वो अपना कॉइन बिल्कुल भी माइक्रो पेमेंट सिस्टम, यानी कि हम लोग देख सकते हैं, हम लोग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पे भी चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनियम यूज़ करते, अगर हम 10,000 भी इलेक्ट्रॉनियम वन वॉलेट टू सेकेंड वॉलेट में हम लोग ट्रांसफर करते तो सिर्फ और सिर्फ फी अभी हम लोग को मालूम है 0.01 है, यानी कि बहुत ही कम है। सो इन शॉर्ट माइक्रो पेमेंट सिस्टम पे पूरा का पूरा अभी फोकस करना चाहते हैं ये। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि ट्रांसफ़र फी इंक्रीज होगा, यानी कि 0.1 ETN से अभी फिलहाल 0.2 ETN होने वाला है इलेक्ट्रॉनियम जब ब्लॉकचेन पूरा का पूरा अपडेट होगा तो। इट्स नॉट सम मोर, बिकॉज आप देख सकते हो 0.2 यानी कि बहुत ही कम है, इतना भी ज़्यादा फी बिल्कुल भी अभी ट्रांजेक्शन करते तो हमें 1 रुपये ही ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे सिंपली। सो यहाँ पे देख सकते हो 2 मिनट्स ब्लॉक, अभी फिलहाल ब्लॉक्स आर करंटली माइन इन एवरी मिनट, अभी सिर्फ एक मिनट में ही एक ब्लॉक माइन हो रहा है। सो अभी वो इंक्रीज होगा जब भी ब्लॉकचेन पूरा का पूरा अपडेट होगा 13 May के बाद, और फिर वो 2 मिनट्स ब्लॉक पर माइन होगा कॉइन। सो यहाँ पे और देख सकते हो रिड्यूस डिफिकल्टी विंडो एंड से, एंड देन यहाँ पे देख सकते हो 30 May को होने वाला है, और फिर इन ब्लॉक ऑफ 307500। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनियम क्या है, इलेक्ट्रॉनियम क्या सच में एक इलेक्ट्रॉनियम का हार्ड फोर्क है। आप यहाँ पे आप वाइट पेपर भी देख सकते हो पूरा का पूरा, ये बिल्कुल भी सेम है इलेक्ट्रॉनियम की तरह, इसमें कुछ भी अपडेट बिल्कुल भी नहीं है। और फिर 11 days, सो यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने उनके क्या क्या फ्यूचर्स है, और फिर ये किनको हार्ड किनको मिलने वाला है, जो भी इलेक्ट्रॉनियम यूजर्स है जिनके पास भी इलेक्ट्रॉनियम कॉइन है उनको मिलेगा इलेक्ट्रॉनियम, और रेशो देख सकते हो आप 1:1। सो और फिर इलेक्ट्रॉनियम वॉच इलेक्ट्रॉनियम जो अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे देख सकते हो पुअर सपोर्ट एंड प्रोफेशनल सपोर्ट। सो गाइज, ये बिल्कुल भी सच नहीं, ये बहुत ही फेक वेबसाइट है। यहाँ पे रोड मैप भी देख सकते हो, रिलीज ऑफ मोबाइल वॉलेट्स एंड ऑल, ये सब का सब फालतूगिरी है बस और कुछ भी नहीं। सो गाइज, अब भी देखते हैं इलेक्ट्रॉनियम की प्राइस अभी चल रही है 268 सतोसे, यानी कि हम लोग जानते हैं 11,200 सतोसे से अभी ये बहुत ही कम हो गया। अभी तो ऑल द मार्केट्स आर ग्रीन, सभी कॉइन 20% 30% 50% तो ग्रो हो चुके हैं जब डाउन होने के बाद। सो इलेक्ट्रॉनियम में ऐसा कॉइन है जो कि बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुआ है, वो वहाँ के वहाँ ही है। सो गाइज, देख सकते हो रिप्पल की अगर हम लोग बात करें तो रिप्पल भी 3,000-4,000 सतोसी पे 2 या 3 साल था, लेकिन उसके बाद उसने ग्रोथ किया था तो आप जानते होंगे कि वो 25,000 सतोसी पे जाके आया है। सो वैसे ही इलेक्ट्रॉनियम इज़ द लॉन्ग टर्म फ्यूचर। सो गाइज, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनियम एक बहुत ही अच्छा कॉइन है, और फिर इसकी टीम तो बहुत ही अच्छी है। सो गाइज, मैं बता दूं इलेक्ट्रॉनियम का ना ही कोई कौन सा हार्ड फोर्क होने वाला है, ये ऑफिशियल न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है इलेक्ट्रॉनियम की तरफ से। सो गाइज, मैं बता दूं कि आपको अगर अभी तक आपने इलेक्ट्रॉनियम कॉइन बाय नहीं किया है तो इट्स अ ग्रेट टाइम टू बाय, बिकॉज 269 इज़ अ वेरी वेरी लो प्राइस। सो आप बाय करके 2,500-600 पे बेच सकते हो रैदर देन ट्रॉन एंड वर्च कॉइन बाय करने के अलावा, बिकॉज ये ऑलरेडी हाई कॉइन है EOS वगैरह। सो गाइज, इससे ज़्यादा अगर आप अभी टाइम पे इलेक्ट्रॉनियम बाय करते हो सो आपको ये 2x DS तो 2 मंथ्स में देगा ही देगा 100%।
सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही है। तो गाइज अभी तक आपने सॉल्यूशन इंजीनियर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो गाइज जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी कुछ क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड वीडियोस बनाऊँ आपकी तरफ नोटिफिकेशन आ जाए। सो बाय बाय गाइज, तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन।